My precious friend, मेरे बहुमूल्य दोस्तों, return to your fortress, अपने गढ़ में वापस आओ, you prisoners of hope, ये कहता है आशा धरे हुए बंदियों, गढ़ की ओर फिरो, I will restore twice as much to you, says the Lord, प्रभु ये कहते हैं मैं तुमको बदले में दूना सुख दूंगा, this is the promise for you, यही तो प्रतिज्ञा है, return to your fortress. अपने गढ़ में वापस आओ. Then I will restore twice. तब मैं तुम्हें दुगना भाग दूंगा. In Israel, the country is surrounded by enemy nations. इसराइल जो है वो तो अपने शत्रु देशों से घिरा हुआ है. Lebanon. Lebanon. Syria. Syria. Jordan. Jordan. Egypt. मिस्र. And enemies in the periphery of Israel itself. और यहां तक के इसराइल के बीच में भी शत्रु हैं. All of them have their missiles pointed towards Israel to destroy it. उन सब ने अपने मिसाइल को इसराइल की ओर बना कर रखा है, तान कर रखा है ताकि उसे नाश कर दे. But yet Israel has survived. लेकिन फिर भी इसराइल बचा है. And it has ruled the world in economy. और उसने अर्थव्यवस्था में पूरे संसार पर राज्य किया है. America's top companies which determine the economy of the world is run by the Jews from Israel. अमेरिका की सबसे बड़ी बड़ी कंपनियां जो कि संसार की अर्थव्यवस्था पर प्रभाव डालती है, उनके मालिक वो जो है वो तो यहूदी लोग हैं, वो उसे चलाते हैं. The Prime Minister of Israel said, इसराइल के प्रधानमंत्री ने कहा, We are under attack every second. हम हर एक सेकंड हम पर हमला हो सकता है. But we rule the financial powers of the world. लेकिन हम संसार की आर्थिक सामर्थ्य पर राज्य करते हैं. How is it possible? ये कैसे संभव है? He said, it's one side, the mysterious hand of the Almighty God which has blessed Israel. और उन्होंने कहा कि एक तरफ से परमेश्वर का वो अद्भुत हाथ, सर्व सामर्थी परमेश्वर का सामर्थ्य हाथ ने इसराइल को आशीष दी है. When God blesses that nation, that people are blessed. और जब परमेश्वर आशीष देते हैं तो वो देश और वो जो लोग हैं वो आशीष पाते हैं. No weapon formed against you will prosper. तुम्हारे विरुद्ध में बनाया गया कोई भी हथियार संपन्न नहीं होगा. In the same way, इसी तरह से, We have an iron dome across the nation. पूरे देश के आसपास iron dome है. The Prime Minister said, when the enemy missiles come, और प्रधानमंत्री ने कहा कि जब शत्रु का मिसाइल आता है, the iron dome sets him. तो iron dome जो है उसे बंद कर लेता है. And Israel's missiles go and destroy them before they cross our borders. और इसके पहले कि वो मिसाइल हमारी सीमाओं को पार करे, इसराइल की मिसाइल जाकर उन्हें नाश कर देती है. It's all automated. ये सब ऑटोमेटिक है. We have double portion. हमारे पास दुगना भाग है. My friend, how much more you will be protected and also made to prosper. तो आप कितने ज्यादा सुरक्षित रहेंगे और कितने संपन्न होते चले जाएंगे. Yes, you return to your fortress, Jesus Christ. आप अपने दृढ़ गढ़ यीशु मसीह में वापस आइए. The name of the Lord is a strong tower. प्रभु का नाम तो मजबूत चट्टान, मजबूत गढ़ है. The righteous run into it and are safe. धर्मी उसमें दौड़ते हैं और वो सुरक्षित रहते हैं. God will restore double to you. परमेश्वर आपको दूना भाग देंगे. Return to Jesus. यीशु के पास वापस आइए. One side protection. एक तरफ सुरक्षा है. Other side prosperity. और दूसरी तरफ संपन्नता है. Father, give this grace to thy son, thy daughter in Jesus' name. पिता अपने बेटे और बेटी को यह अनुग्रह दीजिए यीशु के नाम में. Bless them, Lord. और इन्हें आशीष दीजिए प्रभु. I command every evil power, every spirit of the flesh, to leave them in Jesus name. मैं आज्ञा देता हूं कि हर एक दुष्ट आत्मा की ताकतें, शरीर की आत्माएं, शारीरिकता की आत्माएं इन्हें छोड़कर चले जाए यीशु के नाम में. Protect them. इनकी रक्षा कीजिए. Protect them. इनकी रक्षा कीजिए. Protect them by the blood of Jesus Christ. यीशु के लहू के द्वारा आप इनकी रक्षा कीजिए. Let them return to the filling of the Holy Spirit. और ये पवित्र आत्मा के भरे जाने में वापस आ जाए. Overflow with the
power of the Holy Spirit. पवित्र आत्मा की सामर्थ से उमड़ते चले जाओ. In the name of Jesus. यीशु मसीह के नाम में. And Father, whatever they need, give it to them, because you have paid the price by shedding your blood. प्रभु इन्हें जो कुछ भी चाहिए वो आप इन्हें दीजिए क्योंकि आपने अपने लहू के बहाने के द्वारा इनके लिए कीमत चुकाई है. Let them experience blessings in double measure from today. आज से आगे ये दुगने माप में इन आशीषों का अनुभव करते चले. Heal their bodies in Jesus name. इनके शरीरों को यीशु के नाम में चंगाई दीजिए. Let every boil, every growth dissolve right now in Jesus name. हर एक गांठ, हर एक गिठली, सब कुछ जो है यीशु के नाम में बिल्कुल पिघल जाए. Let the brains be healed. और इनका दिमाग चंगाई पाए. Epilepsy stop in Jesus name. मिर्गी के दौरे बंद हो जाए यीशु के नाम में. Let every pain leave. हर एक दर्द चला जाए. Stones be crushed and discharged. और जो पत्थरी है वो कुचली जाए और निकल जाए. Let every discharge stop in Jesus name. और हर एक जो निकलने जो बात है प्रभु रुक जाए यीशु के नाम में. And the skin be healed in Jesus name. और चमड़ी यीशु के नाम में चंगी हो जाए. Eyes open and be clear in Jesus name. आंखें खुल जाए और ये तो पूरी तरह से अच्छे से देखने लगे यीशु के नाम में. Let the stammering stop. और जो हकलाना है वो रुक जाए. Let the deaf and dumb be healed in Jesus name. गूंगे बहरे यीशु के नाम में चंगे हो जाए. Let the hair fall stop in Jesus name. बालों का झड़ना यीशु के नाम में रुक जाए. Let the breathing be healed in Jesus name. श्वास की जो तकलीफें हैं वो यीशु के नाम में चंगी हो जाए. The heart and the blood be healed in Jesus name. लहू और जो दिल की बातें हैं वो सब प्रभु जी बिल्कुल पूरी तरह से चंगी हो जाए. Let the heart function normally now. हृदय बिल्कुल सामान्य रूप में काम करें. And the digestive organs be healed. और इनके पाचक तंत्र जो है वो पूरी तरह से चंगाई पाए. And the acidity be healed in Jesus name. Acidity यीशु के नाम में चंगी हो जाए. You fever stop. बुखार रुक जाए. You organs which are not functioning come to life in Jesus name. जो अंग काम नहीं कर रहे हैं यीशु के नाम में जीवित हो जाएं. Thank you Lord. धन्यवाद प्रभु. Thank you for doing miracles. अद्भुत चमत्कार करने के लिए धन्यवाद. Those who do not have a child, let them conceive now in Jesus name. जिनकी कोई संतान नहीं है प्रभु वो अभी गर्भवती हो यीशु के नाम में. Let the cancers dissolve. कैंसर बिल्कुल पिघल जाए. Tumors leave. और ट्यूमर चले जाएं. Let the shaking and the shivering and the giddiness be healed in Jesus name. कांपना और थरथराना और यहां तक कि चक्कर आने यीशु के नाम में दूर हो जाएं. Stop in Jesus name. यीशु के नाम में ये रुक जाए. Let their bodies be healed. और इनके शरीर चंगे हो जाएं. Thank you for this healing, Lord. चंगाई के लिए धन्यवाद प्रभु. Thank you. धन्यवाद प्रभु. Praise you, Lord. आपकी स्तुति करें. In Jesus name. यीशु के नाम. Amen. Amen. Thank you.